एक वाइफ को पता करना था कि क्या उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है या नहीं, तो उसने एक लड़की को उसके पास भेजा। अचानक से उस लड़की ने अपना माइंड चेंज कर लिया था और वो हस्बैंड को ही ब्लैकमेल करने लग गई। इसी के साथ एक आर्टिस्ट भी वाइफ के पीछे पड़ा हुआ था। अब क्या इनका मैरिज बच पाएगा, ये हम ट्रस्ट ये 2021 की एक मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर ब्रूक को पेरिस से आता हुआ देख सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी, वहां पर वो रो भी रही थी। वो घर आकर अपने हस्बैंड ओवेन को गले लगाती है। इसके बाद हमें 5 दिन फ्लैशबैक में दिखाए जाते हैं। रात में सोए हुए थे तभी ब्रूक को एसगार का मैसेज आता है। ओवेन ने कहा कि इस आदमी को टाइम डिफरेंस के बारे में पता नहीं है। ब्रूक कहती कि एसगार न्यूयॉर्क में ही है, उसका एक आर्ट का शो था और ब्रूक की आर्ट गैलरी है, वो उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एसगार की इंटरव्यू चल रही थी। एसगार पेरिस से आता है और लड़कियों की न्यूड पेंटिंग बनाता है। एसगार से रिपोर्टर पूछती है कि जिन भी लड़कियों की तुमने पेंटिंग बनाई है क्या सब सिंगल थी। एसगार कहता है कि उसे पता नहीं है, वो किसी लड़की से मिलता है और जब इंटीमेट होता है उसी के बाद उस लड़की की पेंटिंग बनाता है। अगर उसे कुछ कनेक्शन फील हुआ तभी वो पेंटिंग बनाएगा। इसके बाद रिपोर्टर ब्रूक के साथ बात करती है। उसने कहा कि लोगों को लगेगा कि एसगार एक फ्रॉड है। ब्रूक कहती कि मुझे इसमें टैलेंट दिखता है, ये बहुत आगे जाएगा। यहाँ पर ओवेन भी आया हुआ था जिसके पास एसगार गया। उसने कहा कि ब्रूक एकदम सही है, उसे बहुत ही पसंद करता है। ये बात ओवेन को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद रात में ब्रूक और ओवेन अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए आए हुए थे। आजकल ओवेन और ब्रूक प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं पर आजकल जरा लकी नहीं है। ओवेन कहता है कि हमें जरा वैकेशन पर जाना चाहिए। ओवेन को पेरिस में जाना था, ब्रूक को आजकल जरा काम है तो इस वजह से वो आ नहीं सकती। इसके बाद वो एसगार को लेकर बात करने लग गए। ब्रूक की फ्रेंड एलेनोर डिवोर्स अटर्नी थी, उसने कहा कि बहुत सारे लोग चीट करते हैं, सिर्फ लड़कियां पकड़ी नहीं जाती। इस बात को लेकर ओवेन जरा इनसिक्योर फील करता है। घर आने के बाद ब्रूक ने ओवेन से सॉरी कहा कि फिर से उसे काम पर जाना पड़ेगा, आजकल वो जरा बहुत ही ज्यादा बिजी है। ओवेन कहता है कि तुम्हारे गैलरी में शो होने के बाद एक वीकेंड आ रहा है जहां पर हम पेरिस पर जा सकते हैं, 2 दिनों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीकेंड हो जाएगा। ब्रूक ने कहा कि मेरे शो के बाद एक्चुअल सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसी वजह से वो नहीं आ सकते। ओवेन डायरेक्टली टिकट भी लेकर आया था जो ब्रूक को नहीं दिखा था। उसका मोबाइल पीछे रह गया था जिसमें ब्रूक ने एक मैसेज पढ़ा जिसमें कहा था कि कल रात हम दोनों को मिलना है, उस प्लेस पर मजा आएगा, और इस मैसेज को डिलीट करने के लिए भी कहा गया था। तो ब्रूक अब ओवेन पर शक करने लग गई। उसने ओवेन से पूछा कि सारा कौन है। ओवेन कहता है कि वो मेरी शो की एक प्रोड्यूसर है, ओवेन न्यूज रिपोर्टिंग का काम करता है। एसगार के शो की वजह से ब्रूक को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, पैसों की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जो शो के बाद सॉर्ट आउट हो जाएगी। तभी एसगार ब्रूक के पास आया। वो कहता है कि एक मिलीनर मेरी पेंटिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। ब्रूक ने ऑलरेडी उसका नाम सुना हुआ था तो इस बात के लिए एक्साइटेड हो गए। पर एसगार कहता है कि वो यहाँ पर नहीं आने वाला, यानी कि न्यूयॉर्क में नहीं आएगा, हमें उसके पास जाना पड़ेगा पेरिस में। ये बात ब्रूक के लिए जरा हार्ड थी क्योंकि शो के चलते इस तरीके से वो नहीं जा सकते। एसगार कहता है कि मैं बिजनेस की बातें नहीं कर सकता, तुम्हें उसे हैंडल करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे बिना वहां पर नहीं जाऊंगा, तो जल्दी से हम वहां पर चले जाते हैं। ब्रूक ने यह बात अपने लॉयर फ्रेंड को बताई। उसने मजाक किया कि तुम एसगार के साथ पेरिस में जाने वाली हो, शायद नेक्स्ट तुम्हारे हस्बैंड को ही मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके बाद ये बात बताने के लिए ब्रूक ओवेन के पास आए। ओवेन के साथ शो की लड़कियां थी जो देखकर ब्रूक जरा जेलस हो जाती है। उसने सारी सिचुएशन ओवेन को समझाई और लास्ट में कहती कि मुझे पेरिस में जाना पड़ेगा। ब्रूक पहले तो यही चाहता था पर ब्रूक एसगार के साथ जा रही है इस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। उसने वीकेंड पर अपना शो कैंसिल किया था पर अब ये शो वो ले लेता है। आज मिडल ऑफ द नाइट वो अचानक से उठकर कहीं चला गया। उसने एक टैक्सी बुक की थी, इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रूक को उसके टैबलेट से मिल जाती है। वो कहाँ पर जा रहा है इसका एड्रेस भी उसे दिख गया। उसने उसे कॉल करने की बहुत कोशिश की पर उसका कॉल लगा ही नहीं। रात में इसके बारे में ओवेन से पूछते हैं तो ओवेन ने कहा कि मेरा कुछ काम था, एक स्टोरी मुझे कवर करनी थी। ब्रूक उसे ऐसे जाने के लिए सॉरी कहती है। ओवेन ने नोटिस किया कि ब्रूक बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े लेकर जा रही है तो ब्रूक कहती है कि वहां पर मुझे शायद डिनर के लिए भी जाना पड़े, तुम्हें मुझे लेकर वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसने कहा कि हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। ब्रूक के जाने के बाद ओवेन अपने फ्रेंड के साथ एक बार में आया। वो कुछ ड्रिंक्स ले रहे थे पर ओवेन ज्यादा ड्रिंक नहीं करता। अचानक से एक लड़की ओवेन को अप्रोच करती है जिसका नाम था एमी। एमी ने उसे न्यूज से पहचान लिया था। वो कहती है मेरे कॉलेज में एक पेपर था जिसकी वजह से मुझे तुम पर रिसर्च करना पड़ा, वो उसकी एक बहुत ही बड़ी फैन है। इसी के पैरेलल में ब्रूक और एसगार ये बिजनेसमैन के साथ बातें कर रहे थे।
यहाँ पर एसगर ब्रूक के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है पर ब्रूक उसे भाव नहीं देती। न्यूयॉर्क में ओवेन एमी के साथ था पर अब वो घर जाना चाहता था, पर एमी कहती है मेरी फ्रेंड 2 मिनट में यहाँ पर आ रही है, वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है तो उससे तुम मिल लेना। उसने उसका ऑटोग्राफ भी लिया। ओवेन के फ्रेंड एडम को जाना था तो एडम ने कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर ओवेन उस लड़की के लिए रुक रहा था। एडम रियलाइज करता है कि ओवेन एक गलती कर रहा है। एमी को अपनी फ्रेंड का मैसेज आता है कि आज रात वो आ नहीं पाएगी, पर फिर भी ये बात वो ओवेन को नहीं बताती। न्यूयॉर्क में एसगर और ब्रूक की मीटिंग बहुत ही अच्छी गई और उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग सेल कर दी थी। एसगर ने कहा कि तुमने मेरे टैलेंट को देखा और उसी वजह से मैं सब कुछ कर पाया। उसे एक व्यू दिखा कर कहता है कि इस ब्यूटीफुल से व्यू को देखो, मेरे साथ इसी मोमेंट पर रहो। ब्रूक ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। एसगर कहता है कि सिर्फ मेरे साथ एक ड्रिंक लो और इसके बाद हम देखेंगे। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि ओवेन एमी के साथ इंटीमेट हो गया था। ब्रूक के ओवेन को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे पर वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। ओवेन एमी से कहता है कि मेरी एक वाइफ है जिसे मैं बहुत ही प्यार करता हूँ, मैंने आज तक ऐसा कुछ भी किया नहीं था। एमी जरा गुस्सा हो गई कि वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ओवेन ने कहा कि अब मैं फिर से तुमसे मिलना नहीं चाहता। एमी ने कहा कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही मैं करूंगी, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो भी कॉलेज में जर्नलिज्म का एक कोर्स कर रही थी और इसके बाद उसे जॉब चाहिए होगी, तो ओवेन की कॉन्टैक्ट से उसे जॉब मिल सकती है। उसी का लेकर उसे ब्लैकमेल करने लग गए। ओवेन भी अपना मैरिज सेव करने के लिए इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूक घर पर आई। वो घर आते ही ओवेन को गले लगा लेती है। अगले दिन गैलरी में एसगर ने ब्रूक की पेंटिंग बनाई थी। ब्रूक ने कहा कि हम इसे एग्जिबिट नहीं कर सकते, ये मेरी तरह ही दिख रही है। एसगर कहता है कि तुम्हारी तरह नहीं है। ब्रूक ने इस पेंटिंग का नाम उससे पूछा तो एसगर कहता है कि इस पेंटिंग का नाम ब्रूक है। उसे मना कर रही थी पर एसगर मानता नहीं। रात में इनका शो हुआ। ओवेन पहचान लेता है कि पेंटिंग ब्रूक की है। जिस तरीके से एसगर ब्रूक के पास था ये सारी चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगी। उसके फ्रेंड ने भी पहचान लिया था कि ये पेंटिंग ब्रूक की है। ये शो अच्छा बिक रहा था तो ब्रूक और एसगर दोनों बहुत ही खुश थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एमी भी पहुंच जाती है। ओवेन ने उसे देखा और डर जाता है। वो अपने फ्रेंड से कहता है कल रात में तुम्हारे साथ था, यही हम स्टोरी बनाएंगे, पूरी रात हम ड्रिंक करते रहे और मैं किसी और से मिला ही नहीं। उसके फ्रेंड ने पूछा कि तुमने आखिर में किया क्या है। ओवेन ने कहा कि मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। फ्रेंड को भी ओवेन पर गुस्सा आता है। ओवेन को एमी को देखते हुए ब्रूक ने देख लिया और उसे पूछते हैं क्या तुम उस लड़की को जानते हो। ओवेन ने कहा कि मैं बहुत सारे लोगों को मिलता रहता हूँ तो उसे याद नहीं है। एमी को देखने के बाद एसगर उसके पीछे पड़ गया और आकर वो ब्रूक से उसे मिलवाता है। ब्रूक ने ओवेन को इंट्रोडक्शन दिया तो एमी कहती है कि मैं उसे जानती हूँ, कल ही मैंने इनका ऑटोग्राफ लिया था। ओवेन कहता है कि मैं जरा कन्फ्यूज्ड हूँ, मैं शायद तुम्हें नहीं जानता। अब इसके बाद एमी को जाना था तो एसगर भी उसके पीछे पीछे जाता है। एमी डायरेक्टली ओवेन के घर पर आए जहाँ पर ओवेन अकेला था। ओवेन ने कहा कि हम दोनों फिर से नहीं मिल सकते, पर एमी कहती है यहाँ पर चल क्या रहा है इसके बारे में तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है। इसके बाद हमें और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सारे फ्रेंड्स मिलकर डिनर के लिए गए हुए थे। ब्रूक ने अपने लॉयर फ्रेंड से बात की थी और कहा था कि शायद उसे लग रहा है कि ओवेन उस पर चीट करता है। फ्रेंड ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ उस पर जरा ध्यान रखो। उसी रात अचानक से ओवेन कहीं चला गया था तो इसके बाद ब्रूक अगले दिन फिर से अपने फ्रेंड से मिली थी। उसके फ्रेंड ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो एक्चुअल में काम में होगा, पर ब्रूक मानती नहीं। उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फ्रेंड ने कहा कि बहुत सारे केसेस में जब भी हमें प्रूव करना होता है कि हस्बैंड चीट कर रहा है तब हम एक लड़की को उसके पास भेजते हैं। अगर वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है या फिर कुछ अलग होता है तो ये सब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसी एक एजेंसी को जानती थी जिसका नंबर वो ब्रूक को देती है। उसने ये भी कहा कि तुम्हें ओवेन पर ट्रस्ट करना चाहिए, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात में ओवेन का इस तरीके से जाना ब्रूक को सोने नहीं देता। जहाँ पर ओवेन ने कैब बुक की थी इसकी लोकेशन ब्रूक ने देखी, एक बहुत ही अच्छा मोटेल था। ब्रूक से अब रहा नहीं जाता, एक्चुअल सिचुएशन क्या है उसे पता करना था तो उस एजेंसी को उसने कॉल कर दिया। अगले दिन एक लड़की से वो मिली और ये लड़की एमी ही थी। एमी को ही ओवेन को रिजाने का अब जॉब दिया गया था। ब्रूक कहती कि तुम जरा अलग लग रही हो, तुम ओवेन के टाइप के नहीं हो। एमी ने कहा कि जब मैं रात में जाऊँगी तो जरा अलग लगूंगी, तुम मुझ पर पूरा ट्रस्ट कर सकती हो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं कभी भी उस पर चीट नहीं करूँगी। ब्रूक जरा अनश्योर थी। एमी ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि हमें यह सब कैंसिल कर देना चाहिए तो मुझे सिर्फ एक मैसेज कर देना और मैं वहाँ से चली जाऊँगी। इसके बाद ब्रूक जब पेरिस में थी, एसगर उस पर मूव करने की कोशिश कर रहा था तभी ब्रूक ने एमी को मैसेज कर दिया था कि सारी डील ऑफ कर दो, पर एमी ने यह बात नहीं सुनी थी। एमी ने ओवेन के साथ मिलने के बाद रियलाइज़ किया था कि उसे जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए और इसके लिए कुछ भी कर सकती है।
उनकी कन्वर्सेशन की वीडियो निकालने वाले एक आदमी को भी उसने घर पर भेज दिया। पेरिस में एस्गर और ब्रूक जब ड्रिंक ले रहे थे तो एस्गर ब्रूक से पूछता है, तुमने मुझे क्यों चूज किया? ब्रूक कहती कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, ये बात सिर्फ तुम्हें पता नहीं है। ब्रूक कहती कि तुमने मुझे क्यों चूज किया? एस्गर ने कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, जब मैं पेंट करता हूँ तो मुझे म्यूजिक सुनाई देता है, पर जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तब भी मुझे वही म्यूजिक सुनाई देता है। यानी कि उन दोनों में जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और इसे वो एक्सप्लोर करना चाहता था। ब्रूक इस बात के लिए उसे मना कर देती है। उसने एमी को कैंसिल करने का मैसेज किया था पर एमी का कुछ भी रिप्लाई नहीं आता। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और ओवेन को भी कॉल लग नहीं रहा था। इसे वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। उसने सुबह ओवेन को कॉल लगाया और पूछा कि रात में तुम कहाँ थे? ओवेन ने कहा कि मैं बार में गया था, एक दो ड्रिंक्स मैंने लिए और मैं घर पर आ गया। ये सब बातें ओवेन के साथ एमी सुन ही रही थी। ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। ब्रूक यहाँ से जा रही थी तो एस्गर उसे कहता है कि हम दोनों के बीच में अगर कुछ भी है, थोड़ी सी भी फीलिंग्स है, तो हमें इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। ये सुनने के बाद भी ब्रूक वहाँ से चली गई। अगले दिन गैलरी में एमी ब्रूक से मिलने के लिए आई। एमी कहती है, कल रात कुछ अजीब हुआ, मेरी फ़ोन की बैटरी भी चली गई थी, यानी मैं कुछ भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए और हमारा वीडियो वाला आया ही नहीं। इस वजह से उसके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है, पर वो कहती है कि ओवेन तुम्हारी टेस्ट पास हो चुका है, उसने मुझे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। ब्रूक को ये सब चीज़ें बहुत ही अजीब लगती है, वो अभी शक कर रही थी। वो कहती कि मुझे ये भी नहीं पता कि एक्चुअल में तुम वहाँ गई थी या नहीं। एमी ने ओवेन से जो ऑटोग्राफ लिया था ये वो ब्रूक को दिखा दिया, कहती कि मेरे पास प्रूफ है। इसके बाद ब्रूक ने एमी को पे कर दिया, कहती है रात में मेरी आर्ट गैलरी देखने के लिए आना, तुम्हें मजा आएगा। अब कल रात एक्चुअल में हुआ क्या था ये बात हमें पता चलती है। ओवेन बाहर से जाने वाला था पर एमी उसे रोक लेती है। एमी कहती कि मेरे पास कुछ सेलिब्रिटीज़ की एक लिस्ट है, मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हूँ पर फिर भी इन सेलिब्रिटीज़ के साथ मैं अफेयर कर सकती हूँ। ओवेन ने कहा कि फर्स्ट नंबर पर कौन है? एमी कहती कि मैं फर्स्ट नंबर बताने से नहीं डरती, चार नंबर पर तुम्हारा नाम है। इसी के बाद उन्होंने नाइट एक साथ स्पेंड की थी। रात में एमी जब आर्ट गैलरी में आई तो ओवेन ने कहा कि उसे मिला ही नहीं है। इसके बाद साफ साफ पता हो जाती है कि ओवेन और एमी ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एमी के पास उसका ऑटोग्राफ था। ब्रूक इस बात से उस पर शक करने लग गए। एस्गर एमी को घर लेकर जाना चाहता था, वो अपनी गाड़ी लेने के लिए गया तभी ओवेन एमी से बात करने लगता है। ओवेन पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? एमी कहती कि इस सिचुएशन के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तभी वहाँ पर एस्गर आ गया। एस्गर ओवेन से कहता है कि यहाँ डार्क में तुम कर क्या रहे हो? ओवेन ऑलरेडी गुस्सा था तो एस्गर को पंच कर देता है। इन दोनों में फाइट होती पर ब्रूक ने एस्गर को रोक लिया। इसके बाद एस्गर एमी को घर लेकर जाने लग गया। ब्रूक ओवेन को कन्फ्रंट करती है। एमी ने लिया हुआ ऑटोग्राफ उसने उसे दिखाया, पूछती कि तुमने मुझे झूठ क्यों कहा? ओवेन ने कहा कि हम फ्रेंडशिप ड्रिंक ले रहे थे, उसमें उसने मेरा ऑटोग्राफ ले लिया था, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, लोग मेरा ऑटोग्राफ लेते, मेरी फ़ोटो लेते, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ब्रूक ने पूछा कि क्या एमी ने तुम्हारे साथ सेल्फी ली थी? ओवेन कहता है कि हाँ ली थी। अब ब्रूक को कन्फर्म हो गया कि एमी झूठ बोल रही थी। उसे इस बात को लेकर कन्फर्म कर दिया, कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो। ओवेन कहता है कि मुझसे गलती हो गई। इस बात से ब्रूक बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए। ओवेन उसका पीछा करने की कोशिश करता है। ब्रूक ने कहा कि मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम उसके साथ इंटीमेट हुए थे? ओवेन इस बात के लिए उसे सॉरी कहता है। ब्रूक ने कहा कि रात में भी अजीब से तुम कहीं पर भी चले जाते हो, मुझे अभी के अभी तुम्हारा फ़ोन देखना है, सारी चीज़ें चेक करनी है। ओवेन उसे फ़ोन नहीं देता तो ब्रूक गुस्से में घर चली गई। इसके बाद ओवेन जब घर पर आया तो एमी भी उसके घर पर आई थी। एमी ने ओवेन को बता दिया कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे तुमसे मिलने के लिए हायर किया था, मैं ये काम करने वाली थी पर तुम्हें देखकर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि ब्रूक अपने फ्रेंड के साथ थे। उसने एक न्यूज़ में पॉलिटिशियन के बारे में पढ़ा जो अपनी वाइफ पर चीट कर रहा था। इसमें उसने एक एड्रेस देखा तो यही एड्रेस ओवेन को अपने फ़ोन पर मिला था। इसका मतलब है उस रात ओवेन जब बाहर गया था तो यही न्यूज़ कवर करने के लिए गया था, वो सच बोल रहा था, उसका किसी और के साथ चक्कर नहीं चल रहा। ब्रूक ने उसके साथ जो भी किया इसके लिए उसे बुरा लगता है और वो डायरेक्टली घर पर आ गए। पर घर पर एमी ओवेन के साथ थी तो इस बात से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। ओवेन ने कहा कि तुमने मुझे सेटअप किया था, मैं इस बात को बिलीव नहीं कर सकता। ब्रूक कहती कि मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, तुम्हें ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहिए था। ओवेन ने कहा कि तुमने ही मुझे इसमें फंसाया और इसके बाद मैंने सिर्फ रिएक्ट किया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये दोनों एमी पर गुस्सा थे तो इसे निकल जाने के लिए कहते हैं। ओवेन ने पूछा तुम्हारे और एस्गर के बीच में उस रात पेरिस में क्या हुआ था, इसके बारे में भी तुमने मुझे नहीं बताया। अगली सुबह तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होकर आई थी। अब उस रात का फ्लैशबैक हमें दिखता है। ब्रूक एमी को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी तो इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए।
एजगर उसे ऐसे देख लेता है। उसने कहा कि मेरे रूम में आओ। उसने उसे एक स्ट्रीट दिखाई और कहा कि ऐसे एक वॉल पर मैं पेंट करता था और तुमने मेरा टैलेंट डिस्कवर किया है। हम दोनों इस मोमेंट में हैं, हमें इसे इस तरीके से जाने नहीं देना चाहिए। उसके साथ इंटीमेट होने लग गया पर ब्रूक ने उसे मना कर दिया। अब प्रेजेंट में ओवेन ने ब्रूक से पूछा था कि क्या तुम्हारे और एजगर के बीच में कुछ है, तो ब्रूक कहते कि तुमने मुझ पर चीट किया तो ये सवाल तुम नहीं पूछ सकते। इसका आंसर वो उसे कभी भी नहीं देगी। इसके बाद ओवेन ने अपनी बैग भरी और यहाँ से वो जाने लग गया। ब्रूक उसे पूछती है कि क्या तुम क्रिसमस के लिए वापस आओगे। ओवेन ने अपने सूट में से टिकट निकाले। उसने कहा कि क्या मेरे साथ क्रिसमस के लिए पेरिस पर आओगी। ब्रूक इसके लिए हाँ कह देती है। इन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था। इसके बाद बहुत सारा टाइम गुजर जाता है और हम इन दोनों की बेबी को भी देख सकते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।